हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मित्तल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजीली बना सकते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ यह ब्रेकफास्ट आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम आधी गिलास जितनी दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ मैंने गर्म यूज की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कैलोग की मूसली। इसमें अवेलेबल होते हैं मल्टीग्रेन जैसे कि कॉर्न, बार्ले, राइस, व्हीट, ओट्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स और बहुत तरह तरह के सीड्स। तो इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जितना कैलोग की मूसली ऐड की। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से अनार के दाने, हाफ चॉप्ड एप्पल्स और हाफ चॉप्ड बनानाज ऐड किए हैं। अगर आपको मूसली पसंद नहीं है तो आप इसके जगह कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने अपने पसंद के फ्रूट्स ऐड कर लिए, तो अब हम इसमें 1 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 4 कटी हुई काजू, 4 कटी हुई बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ते और 6 से 7 किशमिश ऐड किया है। साथ में मैंने इसमें 2 खजूर को भी चॉप्ड करके ऐड किया है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब चाहें तो आप इसे ऐसे खा भी सकते हैं या फिर आप इसे हाफ आवर फ्रिज में रख कर भी ठंडा होने के बाद खा सकते हैं। यह ठंडी भी अच्छी लगती है और गर्म भी अच्छी लगती है, तो आपको जिस तरह से यह खाना है आप उस तरीके से खा सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में कुछ जल्दी बनाकर खाने का मन हो या कुछ हल्का खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं।